साहब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला का फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे, फैजोबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी के साथ हमारी सब बहन भाइयों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। जिन बहन भाइयों को हमारी वीडियो पसंद आए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी के साथ मैं करना हूँ आज की वीडियो मेरी कुछ यूँ है कि मैं काम कर रही थी और बच्चे लेके आ गए मेरे पास मैंगो कि मम्मा जी नानी अम्मी जो मैंगो लेके आई थी उनका हमें मिल्क शेक बना के दो। अब मैं इनको मिल्क शेक बना के देती हूँ। साथ साथ आज मेरे बेटे के पेपर हुए थे तो इसका रिजल्ट भी आ गया है, मैं पास हो गया है। तो अब कहता है मम्मा मेरी बात भी मानो, मुझे मिल्क शेक बना के दो। कंप्यूटर भी ला के दे गया हूँ। अच्छा रखो ऐसे ठीक है, मैंने दो ना टोकरी छोड़ो छेलना ना छिलके उतारना फिर मैं थोड़ी मिली छेल ये मैंगो मैंने काट लिए और ये है करेले काट रखे हुए। अभी इसको लगाती हूँ पहले नमक, नमक लगा के रख देती हूँ फिर इसको वॉश कर लूँगी फिर सालन बनाऊँगी। ये नमक इसलिए लगा के रखते हैं कि इसका कौड़ापन जो कौड़ापन है वो निकल जाए नमक के साथ। मम्मा अगर करेले का जायका कड़वा हो तो बच्चे फिर खाते नहीं है। मम्मा जी जी अच्छा हम बर्फ भी फूटती हूँ सबर करो। ये नमक मैंने लगा लिया अभी से रखती हूँ साइड पे देती हूँ। अब मैं बच्चों को देती हूँ मिल्क शेक बना के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मम्मा दूध मम्मा आपको तो हो जाए आपको तो उनको नहीं डाला इसी फिर सुनिए मुँह मम्मा उनको नहीं डाला इसी आप लाए हैं आप डाला है शेप हमारा बन गया है। अब मैं देती हूँ बच्चों को, बच्चे बेड पे बैठ रहे हैं जी जग भर के बना लिया है, थोड़ा होगा तो बाद में बना लूँगी। मैं बच्चों को भी देती हूँ और खुद भी पीती हूँ। ये बच्चे बेड पे बैठ के आके तो मैंने कैमरा भी सेट कर लिया है तो अब बच्चों को पहले मिल्क शेप देती हूँ। इधर बेड के पे इनके पास ही बैठ जाऊंगी क्योंकि कबीर बेटे ने अपना गिलास पकड़ा हुआ है, ये गिलास है समीर बेटे का। मामा बेटिका ने पीना है फीडर में तो मामा जी मैंने फीडर में अभी पीना है तो कबीर बेटे ने पी लिया गिलास में, कहता है मामा मैं फीडर लेके आता हूँ अभी फ्रिज में रख भर के ना फ्रिज में रख देना थोड़ी देर के बाद मैं फिर पी लूँगा। ये मैंगो का मिल्क शेक समीर बेटा कबीर यानी कि माशाल्लाह तीनों बच्चे शौक से पीते हैं और आड़ू का बनाती थी वो भी इतने शौक से नहीं पीते थे ना ही और किसी चीज़ का, ये मैंगो का बड़े शौक से तीनों पीते हैं। हम
मम्मा मज़ा आता है ये मिल्क शेक पीने में, दूसरे मिल्क शेक बनाती हो तो मज़ा नहीं आता। मैंने कहा चलो बच्चे जिस तरह आप खुश होते हैं इस तरह ही मैं भी खुश हो, मैं भी मिल्क शेक आपको बना के देती हूँ। तो बच्चे पी रहे हैं अभी, तो अभी कबीर बेटा कहेगा मम्मा आप भी पी लो। जो कबीर बेटा है ये ज़्यादा कहता है मम्मा जल्दी पी लो, मम्मा आप भी पी लो हमारे साथ। ये मिल्क शेक हमने पी लिया अब बच्चों ने, तो जो बचा है ये फ्रिज में रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए ऊपर। चलो बच्चे भी खुश है अब, बच्चों की माँ भी खुश। अगर इनको हंसता मस्त कराता हुआ देखती हूँ तो मेरा दिल खुद खुश हो जाता है। ये करेलों को नमक लगा के रखा हुआ तो वॉश करके मैंने अपने पास रख लिए हैं, और ये है प्याज भी काट के रख लिए हैं, और ये है टमाटर, ये मैंने कुंडी में डाले हुए हैं। अब इनको पहले जो फ्रीज किए हुए हैं इनको पहले इस तरह कूट लूँगी, इनका बनाऊँगी पेस्ट, क्योंकि आज मेरे पास इमली है नहीं तो यही करेलों में डालूँगी टमाटर ज़्यादा। ये टमाटर का पेस्ट मैंने बना लिया है, अब मैं सालन बनाना शुरू करती हूँ। घी अच्छी तरह गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं ऐड करती हूँ, अब इसमें मैं ऐड करती हूँ करेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो करेले मैंने ऐड कर दिए घी में, अब अच्छी तरह फ्राई कर लूँगी। करेले मैंने फ्राई कर लिए घी में, उनका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं डालती हूँ इसमें ये काटे हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज मैंने मिक्स कर दिए हैं और साथ ही डालती हूँ अब ये टमाटर का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर का पेस्ट भी मैंने डाल दिया, ये भी साथ मिक्स, ये भी साथ मिक्स कर देती हूँ और अच्छी तरह ये प्याज और टमाटर को भी नरम कर लूँगी फ्राई करके घी में। ये मसाले मैंने डाल दिए हैं, मसाले डाले हैं मैंने नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, अब इनको कर देती हूँ मिक्स। दूसरे मसाले मैंने नहीं डाले, बस ये सिंपल से चांद मसाले डाले हैं, अब इन मसालों को कर देती हूँ मिक्स। तो मसाले मिक्स हो गए हैं, अब अच्छी तरह इनको मसालों को भी भून लूँगी। एक करेला मसाला मेरा तैयार हो गया, तो हम अभी बाद में रोटियां पकाने हैं, फिर बैठ के खाने हैं।